अमन अपनी वाइफ को प्रिंसेस बोलता है। तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया बुंदनी। ये एक साल का सफर कैसा था? अब नई बहू आएगी तो अच्छे से रखेंगे। घर लेके चले बस, और कुछ नहीं चाहिए। पहला लिफाफा आ गया मेरे को। गाइस मैं हूं अब्रेश और हम हैं फोकस। गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, और आज होने जा रहा है ब्राइड ग्रूम टू बी। बहुत ही मजा आने वाली आज जो करने वाले। मेन मसला क्या है, अमन के अंदर गाइस इतना सबर है ना, आप लोग देख चुके हैं अमन की शादी। कितने लोग न्यू व्यूअर्स रहेंगे अमन के ग्रूम टू बी के लिए, लेकिन अमन की जो निकाह है वो एक साल पहले हो गया था और रुखसती अब हो रही है। अब हो रही है तो जो भी फंक्शंस थे वो सब अब हो रहे, क्योंकि भाभी घर पे आए नहीं थे, सिर्फ इस वजह करके छोड़ दिए, निकाह करके चले गए थे। हाँ, तो अभी वो आएंगे घर पे, बहुत मजा आएगी। एक न्यू मेहमान, मतलब मेहमान नहीं, अभी एक और सदस्य ऐड होने जा रहा हमारे घर में। तो सबसे पूछेंगे भी कि क्या उन लोग सोच रहे हैं कि कैसा रखेंगे, और क्या बहू आएगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके आने के बाद। हाँ, तो ये सब देखेंगे, सबसे पूछते सब बड़े लोग से। उससे पहले ना डेकोरेशन कर लेते हैं भाई, भाई का ग्रूम टू बी है। चलो स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने डेकोरेशन के सामान सब लेकर आ गए। इस बार फ्रेजाइल फॉइल जो हम लोग लाए हैं वो स्क्वायर वाला लेकर आके रखे हैं गाइस। और गाइस ये जो हम लोग ने सैशे लेकर आया है इसका, सॉरी आप लोग देख लिए क्या? नहीं, जो हम लोग ने सैशे लेकर आया ना वो अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद रिवील करते कि इसमें लिखा हुआ क्या है। बस चलो स्टार्ट करते, फुग्गा को फुला दे और अबे वो लेके आना पड़ेगा ना, ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी, ग्रूम टू बी मंगा ले, नहीं मिल रहा वो हमारा हथियार। चलो स्टार्ट हो जाओ आज लोग का। मैं वायर इधर पे, यहाँ पे है ना, इंसान काम पे लग गया है हमेशा, इतना मैं ही करता हूँ। हाँ तू ही करता है, मुझसे जब भी काम पे लग गया है फुग्गा देखने के लिए। तो अभी ये जैसे ही सब फूक जाएगा, अभी डबल टेबल और वो सब बहुत सारी चीज मंगाए हम लोग, वो सब आ जाएगा तो फिर लगाना चालू करते। जब तक मैं भी हेल्प कर देता हूँ दिशा में। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटी। सो गाइस हम लोग ने इस बार कुछ अलग वाला लेकर आए। हाँ, कुछ अलग दिख रहा है, एकदम मैजिक दिख रहा है। ये अच्छा पूरा पीछे का कवर भी कर लिया है, और इसके आगे अमन खड़े रहेगा तो और ज्यादा उठ के दिख जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग ने लिए। बस ये है कि अमन को पसंद आए। मुस्तजा परेशान कर रहा है खाली, क्या कर रहा है पापा, बलून छोड़। अंडा बलून लिया, बलून फुगा दिए लोग ने इतने, और अभी थोड़े और बाकी है तो उससे पूरा घर ही भर जाएगा। तो एक बात समझ में नहीं आती, लड़कों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों, कि मैं जब ग्रूम टू बी का सामान लेने निकल रहा हूँ ना, मतलब जो जो चीज़ मेरे को चाहिए थी एक्स्ट्रा में, मेरे को कहीं नहीं मिल रही, कोई भी केक शॉप पे नहीं मिल रही, कोई भी डेकोरेशन की शॉप पे नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ क्या करेंगे, शिट यार। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, आप लोगों को मजा आना चाहिए। निशान बाहर तो कुछ भी डेकोरेशन का सामान मिला ही नहीं ग्रूम टू बी का, क्या करेंगे अभी? चश्मा ही पहन के ग्रूम टू बी दिखा देंगे, और क्या कर सकते। मैं वो स्टिक भी जो मिलता केक पे लगाने का वो भी नहीं मिला है। हाँ कुछ भी नहीं मिला, लड़कों के साथ इतनी नाइंसाफी होती है। लड़की लोग का सब है ना, सब ब्राइड टू बी का तो भर भर के सब रखा हुआ है, बहुत कुछ रखा हुआ है ब्राइड टू बी के लिए। ग्रूम टू बी कोई करता है कैसे? सो गाइज अगर हम लोग आप लोगों का दिल डेकोरेशन से नहीं जीत सकते, तो हम लोग जीतेंगे अपनी बातों से। हम लोग चाहते कि ऐसी कुछ बताए आप लोग, ऐसी ऐसी चीजें बताए आप लोगों कि जिससे आप लोग को लगे कि हाँ ये वर्थ है ये व्लॉग देखना गाइज। यस ब्रो, चलो स्टार्ट करेंगे, बुला लो फिर भाई। हम लोग आज ग्रूम का घूम फिर के ये है, और ये रहा डेकोरेशन, अमन खड़े रहेगा इसके पीछे, मस्त दिखेगा। उसको बोलते हैं नीचे उतरने के लिए, मुमानी लोग को भी नीचे बुलाते, देते उसको सरप्राइज, और स्टार्ट करते हैं ग्रूम टू बी। सो गाइज मुमानी और मामू और अमन को हम लोग ने नीचे बुला लिए है, तो बस लोग उतरने ही वाले, बस वेट करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। चलो भूख लग गया। चलो स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आ गए हैं लोग। अमन का ग्रूम टू बी, तो अमन अपनी वाइफ को प्रिंसेस बोलता है, तो अपनी वाइफ के लिए प्रिंस हुआ ना। वाइफ का है लेकिन वाइफ का राजकुमार। क्या बात है। और हाँ ग्रूम हम लोगों को ज्यादा सामान मिला नहीं, तो हम लोगों को ये मिला, ये तो था बाकी सब बहुत कम सामान मिला। चलो कुछ लड़कियों का अच्छा दिख रहा है कि नहीं, चलो चलो आओ केक काटेंगे। दूल्हा राजा अभी केक कटिंग करेंगे, विश क्या करेंगे, कट गया अरे कट गया। नहीं नहीं नहीं, अरे वो
तेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के तेनु दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के नहीं अरे केक तो दिखा ही नहीं यहाँ पे दूल्हे राजा अच्छा दिखा दी गया दूल्हे राजा और प्रिंस दूल्हे राजा और प्रिंस भूतनी के चल चल तेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के तेनु दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के भूतनी के भूतनी के तेको बनाया भूतनी जोर की आवाज दे रहा हूँ कि मेरी मेरी आवाज पहुंचे सब कि इसको भी भूतनी की बनाओ जल्दी इसको बनाएंगे इसको पहले अरे जो घोड़ी चढ़ाता है वो भूतनी का होता है तुम लोग तुम लोग का भी बहुत घाई है शादी की आ जाओ मेरे को आई है जाहिद को भी बहुत घाई है जाहिद को करके रखे ना ये तो सीक्रेट था कोई बचे केक कितना अच्छा है केक तो खाते रहेंगे तो अमन जब तेरी फीलिंग बता अभी मतलब तेरी शादी हो चुकी है उसके बाद तू एक साल वेट किया अभी अभी बीवी आ रही है मतलब शादी प्रॉपर शादी हो रही है अरे सीधा सीधा बोल रहा है कुआरा टैग का कुआरा पति का टैग हट रहा है कैसा लगा आपने बता एक साल की फीलिंग बता ये एक साल का सफर कैसा था मतलब तेरा निकाह हुआ था कितनी तारीख को 22 जनवरी 2023 में अमन का निकाह हुआ था और अभी हो गया है 23 भी एंड हो गया ऑलमोस्ट एक साल अभी अभी दिसंबर में 22 जनवरी हाँ 23 को हुआ जनवरी में वो क्या बोलते एक साल की सालगिरह एनिवर्सरी सालगिरह तो 22 दिसंबर 2023 को अमन का निकाह दिसंबर नहीं जनवरी 22 दिसंबर 2000 अरे जनवरी जनवरी 23 22 जनवरी 2023 अच्छा यस फाइनल इतना अभी अमन बोले गाइस क्यों बैठ जाओ अमन का पूछने दो अमन तेरी जब भी शादी हुई थी तब से अब तक का सफर सिंगल था मैं तो तौबा कर तौबा सिंगल था बोल रहे हैं इजी जवाब था बस सबर का फल मीठा होता है गाइस अमन ने बहुत सबर किया गाइस एक साल अपनी बीवी होने के बाद भी दूर था बीवी थी सऊदी में और अमन भाई थे यहाँ पे बस ऐसा नॉर्मली बात बात होती थी और बस बात और क्या बात बाकी दूर से क्या ही हुई तो और कुछ शेयर करना है देखो हाँ कुछ भी अमन की तरह से मैं बोलता हूँ गाइस शादी करो तो उसी टाइम लड़की लेके आ जाओ इतना वेट मत कराओ ये अपना बता रहे मैंने लेके आ गया क्या ऐसा करेंगे आप उसको सीधा बनाएंगे एक ही दिन नो हल्दी नो सीधा निकाह ज्यादा रसम वसम भी नहीं करें उठा के बता आ जाओ बस हाँ शादी हो गई दूसरी बहन आ गई हाँ गाइस खा लो चालू है चालू हाँ भाग रहे हो अबे भाग रहे चलो ठीक है मम्मी शर्मा गए गाइस केक खाया खाने के चक्कर बात दे मम्मी मैं नहीं काटूंगा गाइस तो गाइस अभी अमन से पूछते हैं अमन एक मतलब तेरी बीवी आएगी जब घर में तो तेरे लाइफ में क्या चेंजेस हो गए मतलब क्या क्या चीज में फर्क पड़ेगा क्या क्या होने वाला है तो कुछ और तू उसको कैसा रखेगा मतलब भाभी को कैसा अपने साथ अब आवारापन नहीं कर तू क्यों बोल रहा है वो आने के बाद कैसा चलेगा हाँ आने के बाद लेकिन कुछ सोचा रहेगा ना मेरे को ऐसा रहने का अपनी बीवी के साथ मेरे को ऐसा करने का उसको ऐसा करने का हाइपोथेटिकली आंसर मत दे प्लीज मेरे फाइडर लोग बोल रहे तू कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा अरे व्यूअर्स को व्यूअर्स की तेरी फीलिंग जानना है मेरे को एक बाकी सब चीज का नहीं पता लेकिन मेरे को एक चीज ये पता है कि अमन को जब कंटा लगा बीवी को पकड़ेगा और पूरा एरिया घूमेगा बोले इसको करना रहता है बोले चलो घूम के आते एक चक्कर मार मार के मैं बोलता हूँ अरे घोड़ी चढ़ गया यार गाइस रंजकी की वीडियो भी आने वाली है कल नहीं मतलब रंजकी की वीडियो भी आएगी तो आप लोग बहुत मजा आने वाली है
मामू का डांस देखने मिलेगा आप लोगों को, सबको बहुत मजा आने वाली, सब डांस करने वाले घर में रात में बैठ के, और मुमानी कुछ पकाएंगे गुलगुले 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 नहीं आता हम लोग नहीं पकाएंगे सिर्फ शक्कर खिलाएंगे सबको उस चक्कर में। मुमानी आप बताओ कि मतलब आप एक बहू आ रही है तो आप मतलब कैसा सोचेगी, कैसा रखेंगे, क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे घर में? अब नई बहू आएगी तो अच्छे से रखेंगे, जैसे मेरी खुलूद है वैसे बेटी बेटी बना के रखेंगे। एक बार याद रखना बहू को बेटी बना के रखना तभी घर खुश रहेगा। उदापी को ही देख रहा हूँ, लोग को एडवाइस दे रहा हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है उदापी के साथ और घर वाले सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे, उसको एकदम बेटी के जैसा ही रखे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे घर में भी जो लड़की आए तो वो भी बेटी जैसा ही रहे, हमारी बहन जैसी, इसकी और इसकी सब हमारी बहन जैसी रहे, मेरी वाली मेरी बीवी जैसी रहे। मामन भी यही बोल देता है आ रही है मेरी बहन जैसी आ रही है। तो अभी मामू आप क्या कुछ बोलने का, अभी बहू आ रही है क्या बोलेंगे? जिंदगी बहू लोग अच्छे से रहे, बेटी बन के रहे, खुश रहे, खुश रहे, सब रहे, घर लेके चले बस, और कुछ नहीं चाहिए। सास ससुर को लेके चले, ससुर को हाथ पकड़े और घर लेके जाए, बाहर लेके जा बोले चलिए। बाबू को बोले सब हाथ पकड़ के लेके जाए बाहर की लेके जाएंगे। आज मैं सुनी तुम लोग, ये देखो मुमानी कैसा खा रहे ले। तुम लोग बुर्का क्यों पहने बे? जा रहे ना हम लोग। अच्छा तुम लोग कहीं जा रहे क्या? अच्छा हम लोग छोड़ने जा रहे क्या? अच्छा ऐसा भी हो रहा है तभी बुर्का पहन के बैठे तुम लोग। अमन तू बता बे तेरी फीलिंग जानने का अभी। हाँ गाइस निकाह के टाइम पे आप लोग पुरानी वीडियो जाके देखोगे ना, मतलब एक साल पहले की, तो निकाह के टाइम पे अमन इतना गर्म हो गया था ना गाइस, उसको ऐसा छू रहे था ना, ऐसा गरम गरम फील हो रहा था, वैसे अभी मेरे को भी हो रहा है। अमन मेरा भी निकाह तो नहीं है, मेरा भी मुंह लाल गरम गरम हो रहा है। लाल हो गई, लाल सो गाइज अमन को मम्मी कुछ बोलना चाह रहे थे ग्रूम टू बी में, तो मम्मी आप क्या बोल रहे? शादी का गिफ्ट होटल करके देती हूँ। बता दे मम्मी को कहाँ जाने गए? तो गाइस मम्मी की तरफ से गिफ्ट मम्मी दे रहे हैं अमन को होटल। अमन 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 की खुशी देखो। थैंक यू, सलाम करने का सलाम पहला लिफाफा आ गया मेरे को। सही है अमन की शादी हो गई है, कुलूत की शादी हो गई। गाइस कुलूत का फेस रिवील के लिए आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो, नहीं दिखा सकते हैं इस वजह से नहीं दिखा रहे, वरना हम लोग दिखा दिए रहते। और ये अमन अमन का ये बोल रहा है अमन की शादी है, ठीक है अमन की शादी हो गई, कुलूत की शादी हो गई, जाहिद सबसे छोटा है सबसे एंड में शादी। मुमानी जिशान का भी डेट बता दो। पर मैंने उससे पहले टेंशन का अरे मान जिशान ढूंढेंगे ना पहले। हाँ एक साल क्या बात है, और जिसकी बीवी उसकी बात तो करो तुम लोग जल्दी कराने की कुछ क्या पता गाइस इन लोग आप लोगों को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट शादी कुछ महीनों में जिशान की निकले, तेरी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। हाइपा की शादी में लास्ट में बता दी। हाँ हाइपा की शादी में अपन रिवील कर देंगे कि किसकी शादी है, है ना? अमन भाई की शादी में भी तो एक बताने का कि अमन मतलब तूने ये बोल दिया है कि हाइपा की शादी के बाद किसी की शादी है, मतलब है किसी की तो है। हाँ किसी की तो है तो मतलब, लेकिन अमन की शादी के एंड में भी तो अपन बताने वाले कि किसकी शादी है, मतलब दो दो शादी है, टोटल चार लोगों के। हाँ चार में से दो तो कर ही लेंगे। अच्छा लेकिन हाइफा की शादी को गिन रहे नहीं हम लोग, तो चार लोग हो रहे हैं, ठीक है ए अभी नहीं बताएंगे। गाइस आप लोगों को जल्दी पता चल गया, ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं हरकत, इसीलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।